हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पैथोलॉजी लेक्चर्स बाय तंगी गोस्वामी सो अगेन आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है फैटी लिवर ठीक है तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आराम से इसको ध्यान दे के सुनते रहना और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे सो लेट इट स्टार्ट सो आई थिंक आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इस बीमारी के बारे में फैटी लिवर और इससे हमें एक चीज़ समझ में आती जब उसका नाम सुनते हैं फैटी लिवर मतलब समथिंग रिलेटेड टू फैट एंड लिवर ठीक है तो चलो अभी इसको हम डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं सो so, सारे लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस पर भी फोकस करते हुए चलेंगे जिससे कि ईजिली याद हो जाए लिवर इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर एक्ूमलेशन ऑफ फैट बिकॉज इट प्लेज सेंट्रल रोल इन फ़ैट मेटाबॉलिज्म सो हमारा जो लिवर है ये फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसीलिए लिवर को फैटी लिवर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं अब करता क्या है जो हमारा लिवर है ये बाइल क्रिएट करता है जो कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉज एंड अमाउंट ऑफ एक्मलेशन फैटी चेंज में भी माइल्ड रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल तो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है फैटी लिवर का या फिर कितना एक्यूमुलेशन हुआ है इन दो चीज़ों के हिसाब से आप फैटी लिवर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो या तो फैटी लिवर माइल्ड होगा या फिर ठीक ठीक मतलब रिवर्सिबल होगा जो बुरी कंडीशन है उससे नॉर्मल कंडीशन पर भी आ सकता है उसे तो कहेंगे रिवर्सिबल और तीसरा होता है इ रिवर्सिबल जिसको चेंज ही नहीं किया जा सकता ठीक है एंड अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द इटोलॉजी की मतलब कॉज क्या है बिहाइंड द फैटी लिवर सो फैटी लिवर के पीछे होते हैं दो कॉज या कॉज होगा कि जो फ़ैट है वो बॉडी में कुछ ज़्यादा ही हो गया है कुछ ज़्यादा ही बन रहा है या फैट कुछ ज़्यादा ही खा रहे हो जो कि हमारा लीवर पचा नहीं पा रहा है जो कि लिवर उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में फैटी लीवर हो जाता है तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशंस विथ एक्सेस फैट ठीक है तो पहली कंडीशन कि भाई या तो एक्सेस फैट हो गया है सो so दीज आर इन विच द कैपेसिटी ऑफ द लिवर इज मेटाबोलाइज फैट इज एक्सीडेड को मेटाबोलाइज होना है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है किस किस कंडीशन में हो सकता है सो so, ये हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा बीमारी होती है ओ सी डी तो आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो ओसी डी ओ से ओबेसिटी सी से कंजनाइटल हाइपर लिपिडीमिया और डी से डायबिटीज मेलाइटिस सो इन तीन कंडीशन में एक्सेस फैट होता है बॉडी के अंदर जो कि हमारा लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता दूसरी कंडीशन आती है लिवर सेल डैमेज अगर लिवर की सेल डैमेज हो जाए इस कंडीशन में भी हमारा जो लिवर है वो फ़ैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ अगर एल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से लिवर डिसीज़ हो गई है जो कि मोस्ट कॉमन है तो हमारा लिवर ही खराब हो गया जो मेन फंक्शन करेगा फैट मेटाबोलिज्म के लिए वो ही ख़राब हो गया तब क्या होगा तब भी फैट मेटाबोलिज्म नहीं हो सकती जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाएगा या फिर स्टारवेशन प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन क्रोनिक इलनेस जैसे कि ट्यूबर क्रॉसेस एक्यूट फैटी लीवर इन लेट प्रेग्नेंसी हाइपॉक्सिया एंड हिपैटो टॉक्सिनपैटो मतलब लिवर और टॉक्सिन मतलब कि जो उनके जहर है ठीक है या फिर ड्रग की वजह से लिवर में सेल इंजरी हो गई है जो दवाइयां खाते हैं अगर ओवरडोज हो जाए उन दवाइयों की तो उस वजह से भी लिवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं ठीक है ठेके? नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी पैथोजेनेसिस सो पैथोजेनेसिस को समझाने के लिए मैं आपको नोटबुक के साथ लेके चलूंगी तो नोटबुक पे मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी मैंने यहाँ वन पेज पे लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल सी है एक बार आप नोटबुक से पढ़ लो और फिर आप पढ़ना जो बुक में लिखा हुआ है आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा तो चलो अभी मैं कैमरा को चेंज कर देती हूँ इसकी पोजिशन और इसको समझना अच्छे से ओके okay. तो देखो क्या होता है आपको यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ भी है बुक में तो बुक में भी देखते चलना ठीक है ओके इतना बड़ा ही होगा देखो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर आप पढ़ो ये लिखा है मैकेनिज्म ऑफ़ फैटी लिवर डिपेंड्स अपॉन द स्टेज एट विच द इटियोलॉजिक एजेंट्स एक्ट इन द नॉर्मल फैट ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म तो इन्होंने ये कहा है कि जो फैटी लिवर की मैकेनिज्म होती है ये हमें पता तब चलेगी हमें समझ में तब आएगी जब हम नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म के प्रोसीजर को समझेंगे और किस स्टेप पर इटियोलॉजिक एजेंट ने अपना इफेक्ट दिखाया है वहां से हम समझ पाएंगे कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसी होती है तो चलो यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है लिपिड्स फ्री फैटी एसिड एंटर द लिवर सेल तो जो लिपिड्स होते हैं वो किस फॉर्म में एंटर करते हैं लिवर के अंदर ये यह मैंने यहां पर लीवर बना रखा है तो ये एंटर करते हैं मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर ये यह एंटर करते हैं फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में ठीक है ये फ्री फैटी एसिड की फॉर्म में एंटर करते हैं लिवर के अंदर अब ये आते कहां से हैं तो या तो ये डाइट के थ्रू आएंगे यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम डाइट एज अलोमाइक्रॉन्स ठीक है तो या तो ये डाइट के थ्रू तो तो आ रहे हैं या फिर ये एडिपोस टिश्यूज के थ्रू एंटर कर रहे हैं इन द लिवर अब लिवर में एंटर करने के बाद क्या होता है ये ठीक है अब आपको प्रॉपर दिखेगा अब लिवर में एंटर करने के बाद क्या होता है नॉर्मली स्मॉल पार्ट ऑफ फैटी एसिड ठीक है फैटी एसिड का थोड़ा पार्ट सिंथेसाइज हो जाता है एसीटेट से इन द लिवर सेल ठीक ये आपको मिलेगा ऑन द नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखा देती हूँ देखो ये लिखा हुआ है नॉर्मली स्मॉल पार्ट ऑफ दार्ट ऑफ दल्सो सिंथसाइज फ्रॉम एसिडेड इन द लिवर सेल नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड यहां पर क्या हो जाएगा स्टेरीफाइड टू ट्राइग्लिसराइड बाई द एक्शन ऑफ अल्फाइन ग्लाइसेरोफॉस्फेट तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर बना के दिखाया है आप यहाँ पर देख सकते हो यही लाइन लिखी हुई है मोस्ट ऑफ दी फ्री फैटी एसिड क्या हो जाते हैं स्टेरिफाइड हो जाते हैं बाय द अल्फा ग्लाइसेरोफॉस्फेट इन टू दी ट्राई ग्लिसरस ग्लिसरडीहाइड ठीक है, है? यहाँ तक बात समझ में आ गई उसके बाद इसका स्मॉल पार्ट किसमें चेंज हो जाता है ओनली स्मॉल पार्ट चेंज इन टू द कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलपेड एंड कीटोन बॉडीज जो कि हमारी बॉडी यूज कर लेती है ठीक है एंड ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये कन्वर्टेड हो जाते हैं इनटू दी द लिपो बाय द लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन ठीक है जो लिपिड ऐसा प्रोटीन जो कि लिपिड को एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या बन जाते हैं लिपो प्रोटीन और उसके बाद ये प्लाज्मा लिपो बन जाते हैं ठीक है, है? प्रॉपर बात समझ में आई अब यहां पर जब पढ़ोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा पढ़ के देखो और साथ साथ जो नोट्स रखे हैं उनको भी समझते चलना मोस्ट ऑफ दी फ्री फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड टू ट्राइग्लिसराइड बाय बाई द एक्शन ऑफ अल्फा ग्लाइसरोफॉस्फेट एंड ओनली अ स्मॉल पार्ट इज चेंज इनटू द कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड एंड किटोन बॉडीज वाइल कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड एंड कीटोन बॉडीज आर यूज इन द बॉडी इंट्रा सैलुलर ड्राईराइलिहाइड आर कन्वर्टिड इन टू द लिपोप्रोटीन विच रिक्वायर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन लिपो प्रोटीन्स आर रिलीज फ्राम द लिवर सेल्स इन टू द सर्कुलेशन एज द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स सो दिस इज द बेसिक मैथड या आप कह सकते हो बेसिक स्टेप्स जिसके थ्रू क्या होता है जिसके थ्रू होता है आपका फैट मेटाबॉलिज्म अभी हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें दिया हुआ है इन फैटी लिवर तो अब फैटी लिवर में क्या होता है सो so, साथ साथ पढ़ते चलना है इन फैटी लिवर इंट्रा सेलुलर एक्यूमलेशन ऑफ ट्राईग्लेसरेडिहाइड अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट एट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिक्स स्टेप्स इन द नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म तो आपने नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म यहां पर पढ़ ली ठीक है अब आपको ये समझना है कि इन छह स्टेप्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इसकी वजह से ही फैटी लिवर हुआ है तो पहला इन्होंने बोला है इंक्रीज एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड इन द लिवर देखो सबसे पहले या तो यहाँ से परेशानी शुरू होगी कि जो फैटी एसिड्स हैं जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा एंटर करने लगेंगे इन टू द लिवर दूसरा है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड बाय द लिवर या फिर जो फैटी एसिड की जो सिंथेसिस थी या तो ये बढ़ने लगे ठीक है तो या तो पहला डिफेक्ट यहाँ आएगा दूसरा डिफेक्ट यहाँ आ सकता है तीसरा डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इन टू किटोन बॉडीज एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज एस्टेफिकेशन ऑफ फैटी एसिड टू ट्राइग्ल ठीक है या तो ऐसा होने लगे कि ये किटोन बॉडीज में यहाँ पर हमने किया था इसको किटोन बॉडीज में कन्वर्ट किया था किटोन बॉडीज़ में कम कन्वर्जन हो अगर इनका या फिर इंक्रीज अल्फाग्लाइ मतलब ज्यादा ट्राइग्लेट्रेडिहाइड बनने लगेंगे वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन यहाँ पर यहां पर डिक्रीज हो जाए लिपिड एस एक्सेप्टर प्रोटीन जिसकी वजह से लिपोप्रोटीन नहीं बन पाएंगे उनकी जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी या फिर ब्लॉक इन द एक्सक्रीशन ऑफ द लिपोप्रोटीन फ्रॉम लिवर इनटू दी प्लाज्मा या फिर प्रॉब्लम यहाँ आए कि जो लिपोप्रोटीन्स बन चुके हैं वो लिवर से बाहर प्लाज्मा में ना जा पाए तो ये सारी जो कंडीशंस अगर आती हैं तो इसमें फैटी लिवर होने होने की जो एक प्रोसीजर है वो बन जाता है ठीक है सबको ये बात समझ में आई आगे बढ़ते हैं इन मोस्ट केसेज ऑफ फैटी लिवर वन ऑफ दी अवर मैकेज ऑपरेटिंग बट लिवर सेल इंजरी फ्रॉम क्रॉनिक एल्कोहलिज्म इज मल्टीफैक्टोरियल एज फॉलोज इंक्रीज लिपोलिसिस इंक्रीज फ्री फैटी एसिड सिंथिस डिक्रीज ट्राइगुल यूटिलाइजेशन डिक्रीज फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेशन टू किटोन बॉडीज एंड ब्लॉक इन लिपो प्रोटीन एक्सक्रीशन तो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एल्कोहल पी रहा है क्रोनिक एल्कोहलिज्म है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एंड विच लीड टू दी फैटी लिवर ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा बेसिक पढ़ा दिया लास्ट में उन्होंने दिया हुआ है इवन अ सीवियर फॉर्म ऑफ फैटी लिवर मे बी रिवर्सिबल इफ द लीवर इज गिवन टाइम टू रीजनरेट एंड प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हैज नॉट डेवलप्ड फॉर एग्जाम्पल इंटरमीटेंट ड्रिंकिंग इज लेस हार्मफुल बिकॉज द लीवर सेल गेट टाइम टू रिकवर अगर कोई बंदा अल्कोहल uh, पी रहा है वो भी एक इंटरमीटेंट टाइम में ठीक है कि कुछ दिन पिया पंद्रह दिन पंद्रह दिन में एक बार पी ली एक हफ्ते में एक बार पी ली तो क्या होगा उनकी जो लिवर सेल है वो रिकवर कर जाती है सिमिलरली क्रोनिक एल्कोहलिक हु बिकम्स टिटोलर और द लार्ज फैटी लिवर में रिटर्न टू नॉर्मल इफ फाइब्रोसिस हैज नॉट डेवलप्ड दिस सब्जेक्ट इज डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर दोन में बट आई होप कि आपको यहां पर समझ में आया हो बहुत लंबा सेशन हो गया बट आई होप कि आपको डू लाइक दिस वीडियो माईन एंड शेयर दिस वीडियो विद यो एंड अगर आपको आगे के वीडियोज भी इसी फॉर्म में चाहिए कि यहां पर मेरा फेस भी दिख रहा हो और साथ साथ आपके सामने बुक भी हो और अगर नोट्स वाली जरूरत पड़े तो नोट्स भी हो अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो